नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह का समय है, 7:30 बज गए हैं और हमारी पूजा पाठ सारी हो गई है। और इधर बैठे बच्चों की चल रही है सुबह ही सुबह दोनों की। कल से कृष्ण आया हुआ और कल से चलवा ले तो कल से इन दोनों की पूरी बढ़िया जोड़ी मिल रही है। दोनों अपना खेल रहे हैं। आरू रोज सुबह ही उठते चिक चिक करती है, लेकिन आज उसने उठाई से जबरदस्ती, लेकिन बिल्कुल भी चिक चिक नहीं करी, आराम से उठ गई। और बस सुबह ही उसे कह रही भैया मुझे साइकिल सिखा दे, और ईश्वर भी उठ गई, उठ जाओ बेटा सारे, पीहू को भी उठा गुड्डू, ईशु चलो आज बहुत काम है, बस फटाफट उठ के अपने काम पर लगो गुड्डू चलो। तो अभी साफ़ सफाई तो होगी हमारी, पोछा लगाना बस इधर वाले में बाकी, अंदर वाले में मैंने लगा दिया। और नाश्ता भी नहीं बना अभी, क्योंकि अभी नाश्ता कर नहीं रहे, हम कहा चलो बाद में बना लेंगे। इधर देखिए हमारा काम शुरू हो चुका है सारा, और यहाँ पे आज सबसे बड़ा काम है पैकिंग करना, क्योंकि ये हो रही है रुचि की पैकिंग। रुचि जाएगी मायके, आज हमें शाम को निकलना है, शाम को हम पिंजौर जाएंगे ना सॉरी रामपुर जाएंगे, कल जाएंगे, देखते हैं वहाँ से कैसा बनेगा जाने का पिंजौर। तो शाम को हमें रामपुर जाना, तो तुम्हारे साथ रुचि भी जाएगी, रुचि अपने घर जाएगी, क्योंकि वहीं तो आई, ताई जी का फ़ोन आया था कि रुचि को भी लेते आना, 8-10 दिन रुचि भी रह लेगी। तो यहाँ अब सबसे पहले हो रही है रुचि की पैकिंग। सुबह आज दिन में थोड़ा सा ज़्यादा काम है, ज़्यादा काम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक चाचा जी थे जो मतलब गुजर गए थे, उनकी आज वो है 13वीं, तो फिर मेहमान भी आते हैं और हमें भी उधर जाना दिन में, तो इस वजह से मैं कहा चलो सुबह ही सुबह अपना सारा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे रुचि की चल रही है पैकिंग, रुचि ने अपने सारे कपड़े निकाल दिए क्योंकि अभी नाश्ता बन नहीं रहा, आटा वगैरह लगा कर रख दिया, मैं कहा चलो जब तक अपना पैकिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे रुचि ने निकाल दिए कपड़े अपने और आरू के, तो मैं इसकी देख के करवाती हूँ, देखती हूँ क्या क्या रखेगी, और फिर मुझे अपनी भी करनी है, अपनी तो बाद में कर लूँगी क्योंकि मेरा तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, जो कपड़े लाई थी वही रखने बैग में, और रुचि की है तो उसकी मैं देख रख के रखती हूँ सारी। तो यहाँ पे देखिए जी रुचि की पैकिंग होनी शुरू हो गई है, और ये कपड़े निकाल रही थी तो मैं भी इसकी हेल्प कर दूंगी जिससे कि जल्दी से हो जाए। और रुचि को थोड़ा ज़्यादा ही पैकिंग करनी, मतलब कि उस हिसाब से जाना, जैसा आपको पता है कि मेरी बहन की शादी भी, तो शादी में भी जाएगी, मायके भी जाएगी, तो सारे कपड़े मैं उसी हिसाब से देख रही, उसके थोड़े हैवी मका अलग कर दूंगी और जो उसके वैसे पहनने के वो अलग कर दूंगी। आरू के भी हैं सारे भी, तो वो कहने लगी कि तू करवा दे मेरे साथ, और मतलब देख ले कौन कौन से ठीक है सूट, कौन से ले जाऊं। और रुचि के पास तो काफ़ी सूट होते हैं, हमारे साथ बहुत ज़्यादा सूट है क्योंकि ताई जी बहुत सूट देती है अच्छे अच्छे, और एक से बढ़ के एक है। भले ही ये पहनती, इसका क्या है कि ये ना ज़्यादा निकालती नहीं सूट, ये आप बोलते हो कि एक ही सूट पहनना है, इसका कारण मैं आपको बता दूँ, सुबह ही जो सुबह का काम होता है ना, तो ये इसने एक ही सूट रख रखा, दूसरा तो कभी कभी पहनना है, तो वो ही सुबह के टाइम जब काम ज़्यादा होता है तो तब पहन वो ही पहनती है, दूसरा फिर जब खाना वगैरह का काम सारा हो जा तब दूसरा पहनती है, मतलब दोपहर के टाइम तो और भी बहुत सारे वे पहन लेती हैं, लेकिन सुबह के टाइम ये एक ही सूट इसने रख रखा। मैंने इसको बोला भी, इसने एक दो बार दूसरा भी पहना लेकिन वो भी बिल्कुल सेम ही, तो यूं लगे कि एक ही पहन रही, तो ये कारण है। वरना रुचि के पास तो बहुत सारे सूट है, आप देख रहे होंगे, देखे रुचि दे रही है और मैं उसी हिसाब से देख कर धर रही, मका ये नए हैं, ये शादी शुदी में पहनने के अलग कर दूंगी, और जो सूट मतलब घर पर ले जाने के वो अलग। तो यहाँ पे रुचि की मायके जाने की हो रही है तैयारी। तो देखिए सारे कपड़े रखे गए हैं लगभग, और एक बैग में तो आए नहीं थे, फिर मैंने मम्मी को बोला उनका, इसके जो बैग है इसके पास इसमें कपड़े नहीं आ रहे, तो फिर मम्मी ने दूसरा बैग दिया, तो आरू के अलग कर दूंगी क्योंकि फिर शादी ब्याह के लिए तो ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, वैसे तो इतने नहीं होते डेली यूज में, मतलब जाओ हल्के फुल्के से ही पहनने जाते हैं घर में, लेकिन जब शादी होती है तो फिर ज़्यादा ही कपड़े चाहिए होते हैं, तो उसी हिसाब से फिर मैंने अलग अलग दोनों के रख दिए, एक बैग में रुचि के और एक बैग में आरू के।
तो यहाँ पे देखिए बस पैकिंग हो गई है रुचि की सारी। अब हम बनाने लगे हैं नाश्ता। ये सब आ गए थे और यहाँ पे बस मैं बना रही हूँ नाश्ता। नाश्ता आटा सिंपल ही है, मतलब सिंपल रोटी, रात की आलू की सब्जी बच रही है तो उससे जो कोई खाएगा उससे खा लेगा, और बाकी बच्चे पराठे खाएंगे। बच्चों ने बोल दिया कि मम्मी हम तो अचार के साथ पराठे खाएंगे और दूध लेंगे, तो यहाँ मैं दूध ठंडा कर रही बच्चों के लिए और रुचि बना रही है उधर पराठे। और मम्मी और नीरज भैया गए थे गांव में ही। असल में जिस दिन 23 तारीख की बात थी ना वह, जो वो, और ये वीडियो है 23 तारीख की। मैंने 23 तारीख को वीडियो नहीं डाली थी ना, नहीं सॉरी 24 तारीख को वीडियो नहीं डाली थी मैंने, तो ये 24 तारीख की वीडियो है। और यहाँ पे क्या हुआ, गांव में ही पड़ोस में ही हमारे मतलब मंदिर पड़ता है हमारे पास में, तो मंदिर के दूसरी साइड एक लड़का एक्सपायर हो गया था, जवान ही था, ज़्यादा वो नहीं है, मतलब अटैक आया, तो उस वजह से गांव में ना इतना माहौल सा ऐसा हो गया था। हो ही जाता है, देखिए जवान मौत होती है, चलो बड़े बूढ़े हो जाओ तो फिर भी, खैर दुख तो सबका होता है, आदमी चला जाता है, लेकिन जब कुछ ऐसी घटना होती है, और गांव में तो इतना ज़्यादा वो देखा जाता है, बल्कि हमने शहर में देखा कि कोई किसी से इतना नहीं कर रखता, लेकिन गांव में इन चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसा ही गांव में भी हम कह रहे थे कि कहीं भी मतलब सब पूरा गांव में सुन सा हो गया एकदम, ऐसे लोग जगह जगह खड़े थे। तो फिर अनुज भैया ना सॉरी नीरज भैया, मम्मी और कन्हैया, वे सब उनके यहीं गए हुए थे, उनका संस्कार था, वो शाम के टाइम हुए थे, फिर शाम के टाइम नहीं किया था उनका संस्कार, तो सुबह ही किया था, तो मम्मी और वे सब उनके यहाँ चले गए थे, फिर वे बाद में आए थे, तब जाके उन्होंने खा के ना धो के फिर नाश्ता किया था। तो यहाँ पे बस मैं बच्चों को दे रही थी, रुचि बना रही थी और मैं सबको दे रही थी, अनुज भैया थे, अनुज भैया को भी दे दिया। और इधर अब देखे रुचि करने लगी है अपने किचन का काम, उसने कर लिया किचन का, वो ही करती है ज़्यादातर काम, रोटी तो मैं बनवा देती हूँ लेकिन साफ सफाई किचन की और बर्तन वगैरह वो सारा खुद कर लेती है। और उसके बाद बस मैं कर रही हूँ बाहर झाड़ू वगैरह झाड़ना पूछना, और मैंने मशीन लगा दी है, बस जो भी एक्स्ट्रा काम है मैं बाहर के देख रही वो कर दूंगी सारे। तो वहाँ पे देखिए सारा हो गया है, बस अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। यहाँ पे मैं अब करूँगी अपने पैकिंग, क्योंकि जैसे मैंने बताया मुझे भी जाना है, शाम के टाइम जाएंगे हम, तो यहाँ पे मुझे पैकिंग करनी है और आज काम ज़्यादा है। और जब काम ज़्यादा हो ना तो ऐसा हो जाता है कि काम होता भी नहीं, भले ही रोज़ हम इससे ज़्यादा कर लें, लेकिन आज दिमाग में ये हो रहा कि ये भी करना, ये भी करना, वहाँ भी जाना, काफ़ी सारा काम है। और कुछ दिमाग में रात से ना रात नींद भी नहीं आई किसी को घर में, तो वो बात सुन के तो मतलब डर सा लगता है। फिर वो ये है कि बस यही कहते हैं कि भगवान सबको बनाए रखे अपने घर में, और जो वे एक्सपायर हुए उन मतलब ज़्यादा उम्र भी नहीं थी और उनकी वाइफ भी कोरोना के टाइम एक्सपायर हो गई थी, और लड़कियाँ हैं उनकी छोटी छोटी, दो ही लड़कियाँ, बस उन्हें देख कर फिर मम्मी ने आकर बताया कि ऐसे ऐसे में रो रही थी बहुत ज़्यादा, तो मन मतलब रात से ही ऐसा उदास सा हो रहा था, मन में डर सा लग रहा था। जब कुछ ऐसा हो जा तो होता ही है आपको पता ही, लेकिन वो है कि काम भी सारे करने पड़े हैं, लेकिन जो दुख है वो तो है ही, बस यही है भगवान उन लड़कियों को ठीक ठाक रखे, सुख दे बस उन्हें, आशीर्वाद अपना बनाए रखे उनके ऊपर, वरना तो जिस मतलब बच्चों के माँ और बाप दोनों ही चले जाएं तो जीवन तो ख़त्म ही हो जाए। और छोटी लड़कियाँ 10-12 साल 12-13 साल 12-14 साल की हैं, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है, इतनी है, दो लड़कियाँ उनके पास। तो यहाँ पे देखिए बस मैं अपनी पैकिंग कर रही थी, मेरी पैकिंग तो ज़्यादा नहीं थी क्योंकि मेरे तो थोड़े ही कपड़े थे जो लेके आ रखी, बस वही मुझे रखने थे अलमीरा में रखे थे, बैग मैंने निकाल लिया अपने पैड में से।
तो ये मेरी पैकिंग हो गई है कंप्लीट। अब मैं यहाँ पे बेड शीट करूँगी चेंज, क्योंकि मैं इस वजह से कर रही है, नहीं थी ना ये, एक दो दिन ही बिछी, ज़्यादा नहीं बिछी, बीच में काम चल गया था जब मैंने उतार दी थी, फिर मैंने ये उतार के पुरानी वाली बिछा दूंगी, क्योंकि यह नई थी मकई, फिर काफ़ी दिन तक पड़ी रहेगी तो गंदी हो जाएगी मकई, धुल जाएगी, तो इस वजह से। तो यहाँ मैं दूसरी पुराने वाली बेड शीट ले आई। हम आते हैं तो हम तो लेट जाते हैं, वैसे तो कोई नहीं लेटता कमरे में, इधर वही प्रॉब्लम है, एक तो गर्मी ज़्यादा होती है, दूसरा फैन वगैरह भी नहीं है इस वाले रूम में, तो इस वजह से फिर यहाँ कोई लेटता नहीं। सर्दियों में तो लेट जाते हैं लेकिन गर्मियों में नहीं। तो यहाँ पे फिर मैंने पुराने वाली बेड शीट बिछा दी। मतलब तो जी यहाँ पे मैंने बेड शीट वगैरह चेंज कर दी है, पुरानी डाल दी, क्योंकि आज हमें जाना, वो नहीं फिर मकई यहाँ पे ख़राब हो जाएगी, पड़ी रहेगी, और इस वजह से। और अलमारी में से कपड़े वगैरह सब निकाल दिए, तो ये कमरा हमारा हो गया क्लीन, खाली कर दिया बस हमने। और हाँ, बैग वगैरह पैक हो गए, बाकी जो शाम तक एक दो सामान ये तो रहते ही रहे हैं, और मुझे कपड़े भी धोने हैं अभी, तो मैं मशीन लगाती हूँ सबसे पहले, फिर लगाऊंगी पोचा। उधर की क्लीनिंग रह रही है कमरे की, इधर मैंने सुबह करा भी था लेकिन यहाँ बैठे थे, फिर सब वही हाल हो गया सारा, यहाँ बैठे रहते हैं ना ये सारे बैठे थे, तो यहाँ फिर थोड़ी सी सेटिंग सी करनी पड़ेगी, वरना पोचा मैंने सुबह ही लगा दिया था यहाँ पे, तो कर देती हूँ। और अब आ गई हूँ मैं बाहर वाले रूम में, ये वाला रूम है, तो यहाँ पे मैं वो वाली बेड शीट बिछा दूंगी जो मैंने उतारी है। तो मैंने वो वाले बेड की कर दी है चेंज, साफ सफाई, पोचा वगैरह मैंने सुबह के टाइम ही लगा दिया था उधर नए वाले पोर्शन में, मैं सुबह ही इसलिए लगा देती हूँ, मगर फिर उधर तो खाली पड़ा रहता है, कोई ना बैठता ना लेटता, तो सुबह ही खाली रहता है, मगर चलो लगा देती हूँ, और इधर फिर बाद में लगता है, क्योंकि इधर लगा भी दो फिर कोई फायदा नहीं, गंदा हो जाता है। तो अब मैंने सोचा चलो इस वाले बेड की भी बेड शीट चेंज कर दूँ, और यहाँ पे मुझे ये वाली बेड शीट चेंज, यही वाली मैंने डाल दी, ये नई है लेकिन ये ज़्यादा टाइम नहीं बिछाई, तो मैंने सोचा एक दो दिन में यहाँ बिछा दूंगी, फिर ये यहाँ से तो ये है उतर जाएगी और धुल जाएगी इसलिए। और अभी आज मैंने थोड़ा इसलिए भी बिछा दी, क्योंकि उनके यहाँ जो एक चाचा जी गुजर रहे हैं यहाँ पे, गुड्डू के पापा आए थे ना जिनके यहाँ गए थे वे वाले, तो आज उनके वो भी है, भोग बोलते हैं हम पिंजौर की साइड, तो हमारे यहाँ तेरामी बोलते हैं, तो आज उनका वो भोग है, तो फिर कोई ना कोई जैसा जानने वाले मेहमान कोई ना कोई आ ही जाते हैं, तो थोड़ा सा मैं इसलिए साफ़ सुथरा सा कर रही जिससे कि अच्छा लगे, तो यहाँ पे बस मैं सफाई में लग रही हूँ। और इधर देखिए मैंने पूरे घर में फिर झाड़ू लगाती थी, चद्दर वगैरह बिछा के, और रुचि लगाने लग रही है पोचा, रूम में उसने लगा दिया है, और बस अब बाहर जो बरामदा है उसमें लगा देगी। और रुचि का सबसे बड़ा काम पोचा लगाने का ही है, आप बोलते भी हो देखिए इतने बड़े घर में, अब तो यह है कि हम दोनों मिलकर लगा देते हैं, मैं अंदर वाले में तो मैं सुबह ही लगा दूँ, ये बाहर वाले में दोपहर के टाइम लगाती है, लेकिन मैं भी लगवा देती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं लगवाती, लेकिन जब मैं मतलब हम नहीं होते फिर तो ये अकेले ही लगाती है। और बस यहाँ पे देखिए पूरा कर देगी क्लीन, और मैंने मशीन लगा रखी, बाकी जो सामान है एक्स्ट्रा बाहर तक, मैंने डोर तक जो मेन गेट है वहाँ तक झाड़ू भी लगा दी, जो एक्स्ट्रा सामान वो उठा दिए सारे। थोड़ा सा ये भी हो रहा मैं कहा जैसा मम्मी अकेली रहेगी, ये भी कर लो वो भी कर लो, जो कपड़े थे सारे वो भी मैंने धुल दिए हैं, क्योंकि फिर हमारे भी थे काफ़ी सारे, यहाँ के भी थे, जैसा अनुज भैया है, कन्हैया है, मम्मी है, तो मम्मी ना भी कर रही थी कि रहने दो कपड़े, फिर आज तुम थक जाओगे, काम भी ज़्यादा है, और वहाँ पे भी हमें जाना था उनके यहाँ से जो चाचा जी हैं उनके यहाँ, लेकिन मैंने सोचा मगर नहीं है सारे कपड़े धुल जाएंगे, हमारे भी थे काफ़ी सारे, बच्चों ने कुछ गिल्ले कर रखे थे, और फिर मुझे यह था कि मम्मी का काम ज़्यादा ना बढ़े, तो इस वजह से फिर मैंने सारे कपड़े धुल दिए थे मम्मी और के भी जितने भी थे सारे, मगर फिर उनको उठा कर रख दूंगी, और जिससे कि फिर मम्मी परेशान ना हो। तो यहाँ पे देखिए बस सारे कपड़े धुल गए हैं, अब करेंगे अपने
तैयारी। आज की वीडियो बस मैं एंड करती हूँ यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।